सहारा इंडिया की 4 कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में निवेश करने वाले 10 करोड़ लोगों का फंसा पैसा वापस मिलेगा। इसकी शुरुआत 5000 करोड़ रुपए और 4 करोड़ निवेशकों से हो रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 18 जुलाई को दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को अप्लाई करने के 45 दिन में पैसा वापस मिलेगा। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार के चुनाव में खास ये होगा कि एनडीए का मुकाबला विपक्षी दलों के गठबंधन से होगा, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने इस नाम का सुझाव दिया था और बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया के लोग बीजेपी से त्रस्त हो गए हैं और उसे हटाने के लिए जरूर लड़ेंगे, इसलिए विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया ही होना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। ट्विटर पर इंडिया वर्सेस एनडीए जमकर ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस प्रेम कहानी की तहकीकात अब यूपी एटीएस कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों को सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजे थे, उनमें से कुछ लोगों की भारतीय सेना से जुड़े होने की बात सामने आई, जिसकी जांच की जा रही है। उनके प्रोफाइल को भी चेक किया जा रहा है। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान पर बवाल मच गया है। नोएडा में कथा के दौरान महिलाओं के संबंध में दिए गए बयान को लेकर सामाजिक कर्ता नूतन ठाकुर ने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान बेहद घटिया और महिलाओं के लिए अपमानजनक है, बल्कि उनके इस बयान के बाद लोग महिलाओं के लिए भद्दे भद्दे कमेंट करने लगे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग से इस बयान को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया है। पहलवानों के यौन शोषण के मामले में कोर्ट में पेश हुए बृजभूषण शरण सिंह को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट परसों नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।